Okay, so we are here, guys, at Eden Gardens. You are super excited, man. Today we're going to Eden Gardens. Too many goosebumps over here. We're gonna have a lot of fun in the Stadium 2 video. Come join me. So where are we today, guys? Today we are at Eden Gardens, which is called the Mecca of Indian cricket. काफी कहानियां हैं यहाँ पे, काफी memories है. While this is a very special stadium for cricketers, हम fans के लिए this is nothing short of a pilgrimage site. आज हम लोग अंदर जाएंगे, we'll show you a lot of behind the scene tours of Eden Gardens, normally stuff which are not accessible for us. So come join me and I promise you we're gonna have a lot of fun. This gate, the number of players who have walked in through this gate, the number of legendary players, just been insane. And आज इसी गेट से हम लोग अंदर जाएंगे, आप लोगों को काफी कुछ दिखाएंगे ईडन गार्डन्स के बारे में, काफी इंसाइटफुल होगा, काफी मजेदार होगा. सो लेट्स गो. यू नो ये क्या है, दिस इज द ऑनर्स बोर्ड. आई मीन दिस इज दैट आइकॉनिक ऑनर्स बोर्ड. एवरी सिंगल क्रिकेट प्लेयर व्हेन दे वांट टू स्टार्ट देयर जर्नी वांट्स टू कम ऑन. दिस इज द इंटरनेशनल प्लेयर्स हु रिप्रेजेंटेड इंडिया फ्रॉम बंगाल. All these names etched in gold, etched in history. Also the umpires and all the Bengal captains and all, will show you that as well. This signifies the hard work and the determination and the grit of all the cricketers. So if you ever want to come on this, you just need to go that hard yard. Pata hai guys, kahan pe access mila hai aaj? First time mila hai, matlab jitters aa rahe, ekdam goosebumps aa rahe. ये वो सीक्रेट पैसेज है प्लेयर्स के लिए, जब वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं उसके पहले यहाँ से जाते हैं. पता है एक एयर में ना, हवा में काफ़ी नर्वसनेस है, हवा में एक्साइटमेंट भी है. जैसे हम स्कूल में कॉलेज में जब एग्जाम देते थे उसके पहले हॉल से जाते थे, नर्वसनेस होता था, सेम प्लेयर्स के लिए भी सेम होता है. आज हम लोग जाएंगे वहाँ पे, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस जहाँ से वी सी ऑल आवर क्रिकेट प्लेयर्स. दिस इज द पैसेज थ्रू विच दे गो. एज यू कैन सी द कोलकाता नाइट राइडर्स ब्रांडिंग एज वेल. Full Kolkata is draped with purple and so will be Eden Gardens, draped with purple, the city of purple. Guys, I'll see you upstairs. जो जो चीजें देखी है ईडन गार्डन्स में, मतलब मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीजें देखूंगा. मतलब सो मेनी कलर्स, एवरी नुक इन कॉर्नर जस्ट ब्रिम्स एंड जस्ट ब्रीथ्स ऑफ क्रिकेट. जो आज देखा उसके बाद मैं ना तूफानी फैन बन गया हूं. आपने लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम का तो नाम सुना ही होगा, तो फिर ईडन और लॉर्ड्स के बीच में क्या एक सिमिलैरिटी है वो तो सर कमेंट सेक्शन में बता दो. ये जो बेल है मेरे पीछे, दिखने में काफी ऑर्डिनरी एंड सीधा साधा है, बट दिस इज सो मच कल्चर, दिस इज सो मच हिस्ट्री बिहाइंड इट. कैप्टन्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम दे रिंग द बेल इन ऑर्डर टू सिग्निफाई दैट द गेम इज गोइंग टू स्टार्ट. बहुत मन कर रहा है यार मुझे वो बेल जाके एक बार घुमाओ, एक बार बजाओ यार. बट as a sign of respect for cricket, I will not do that, as it is only meant and reserved for cricketers. Pata abhi hum log kahan hain? Hum log abhi lower clubhouse tier hai. There are two parts of a clubhouse in Eden Gardens, the lower club tier and the upper club tier. Yahan pe jo view milta hai na Eden Gardens ki, वो बेस्ट है पूरा स्टेडियम में. दिस इज द बेस्ट व्यू, पीपल ऑलवेज कम हियर, मेक श्योर दैट दे कम हियर. एंड यू कैन सी दैट दोनों जो ड्रेसिंग रूम है वो काफ़ी यहाँ से क्लोज है, डगआउट भी काफ़ी क्लोज है. मैं बचपन में पता है क्या करता था, वो सामने जाता था और प्लेयर्स को ऐसे वेव करता था. यूज टू वेव मी बैक एंड वंस दे यूज टू वेव मी बैक इट यूज टू मेक माई डे. मतलब मैं स्कूल में जाके सबको बोलता था कि माई फेवरेट प्लेयर गौतम गंभीर वेव टू मी. बहुत ही मज़ा आता था वहाँ पे. और इफ यू कम टू ईडन गार्डन्स 120% यू शुड मेक योर वे टू द क्लब हाउस एज यू विल नेवर गेट अ बेटर व्यू देन दिस. बस आज के लिए इतना ही, बट कहानी सर अभी खत्म नहीं हुई है.
ईडन इतना छोटा नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग काफी कुछ चीजें दिखाएंगे, मेरा फेवरेट पार्ट दिखाएंगे जहाँ पे शाहरुख खान बैठ के बॉक्स में मैचेस देखते हैं, सबको वेव करते हैं, ड्रेसिंग रूम दिखाएंगे, क्राउड दिखाएंगे और भी काफी कुछ चीजें दिखाएंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो पिक्चर अभी बाकी है बॉस, और बस लेट्स गो।